बस्तर से नक्सलियों के विरोध अभियान में एक जवान के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। कैंप के नजदीक पहुंची तो नक्सलियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। फोर्स नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों में पहुंची हुई है। तो बस्तर से बड़ी खबर, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें एक जवान के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सुप्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सुप्रिया, क्या और स्थिति बताई जाती है, जवान की स्थिति बताएं पहले। जवान तो फिलहाल अभी रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका उपचार जारी है। जवान ने बताया कि अभी जो ये घटना है वो सुबह 9 बजे हुई है। 9 बजे उनके पैर में गोली लगी है तो उन्हें अभी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में लाया गया है और वहाँ पर वो एडमिट है। तो डॉक्टर धावलिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनके जो पैर के मांसपेशियां जो है उनमें काफी हद तक चोट लगी है जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी जवान का उपचार जो है वो जारी है। ठीक है सुप्रिया, क्योंकि आज जिस तरह से बुधवार का दिन है और छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में हम बात करें, क्योंकि वाकई में पूरा नक्सलियों से घिरा हुआ ये प्रदेश है। सुबह से ही बस्तर, फिर कुआकोंडा, फिर कहीं ना कहीं से नारायणपुर से इस तरह की मुठभेड़ की खबर हमें लगातार मिल रही है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। 1000 जवानों की जो मौजूदगी है वहां के क्षेत्र में बताई जा रही है। घायल जवान से अगर बातचीत हुई हो, कुछ जानकारी मिल पा रही हो, किस तरह का ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? घायल जवान ने तो इस ऑपरेशन के बारे में बताने से तो इनकार किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी 2000 जवान जो है वो बस्तर के भीड़ों में भेजे गए हैं और साथ ही ऑपरेशन प्रहार जो है वो चलाया जा रहा है। इसके तहत नक्सलियों के जितने भी कैंप है उसे ध्वस्त किया जा रहा है, साथ ही नक्सलियों के जितने भी इलाके हैं उसे ध्वस्त करने का काम जो है जवानों के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो जवान है वो नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों में पहुंचे हुए थे जिसे नक्सलियों ने देखते हुए जवान के पैर में गोली मार दी, जिसे जवान के पैर में चोट आई थी और वो रामकृष्ण अस्पताल में एडमिट है। ठीक है सुप्रिया, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज ही की अगर हम बात करें तो झीरम घाटी नरसंहार में शामिल नक्सली ने भी सरेंडर किया है। उसके बाद जिस तरह से, क्योंकि एरिया डोमिनेशन पे सर्चिंग पे जो टीम पार्टी निकली हुई थी उसके बाद मुठभेड़ की जानकारी मिलना, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां होना, फिर अभी भी मुठभेड़ का जारी होना, किस तरह से देखते हैं उस पूरे घटनाक्रम को, गिरफ्तारी से सरेंडर से अब तक के? सरेंडर जो है नक्सली जो है वो कई नक्सली ऐसे हैं जो सरेंडर करते हैं तो वही कुछ ऐसे हैं जो अभी भी उत्पाती हैं और साथ ही। चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रदेश में होने वाले जोर और आगे